हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में कोबेल्को एसके 200 और कोबेल्को एसके 210 एलसी के अल जानकारी बताने वाला हूं। ये वर्जन में जो भी अपडेट हुआ है सभी तरह की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन में कोबेल्को कंपनी की डबल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, हाई परफॉर्मेंस लो फ्यूल एफिशिएंसी सिस्टम की मेन पंप लगा हुआ है। इस पंप की मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो दोनों पिस्टन मिलाकर 220 लीटर प्रति मिनट हाइड्रोलिक फ्लो करती है और इसकी पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है। इस पंप की मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 20 लीटर प्रति मिनट है। इस मशीन का हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 146 लीटर की है और इस मशीन का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम 230 लीटर की है। इस मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम में तीन फिल्टर लगा हुआ है, एक मेन हाइड्रोलिक फिल्टर और एक पायलट फिल्टर और एक हाइड्रोलिक स्टेनर। इस मशीन को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रोलिक फिल्टर और पायलट फिल्टर 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए और इसकी हाइड्रोलिक स्टेनर फिल्टर 3000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, इस मशीन की फुल हाइड्रोलिक सर्विस 3000 से 2500 घंटा के अंदर चेंज करने की कंपनी प्रोवाइड करती है। अब रिलीफ वाल्व सिस्टम की जानकारी। इस मशीन का मेन कंट्रोल वाल्व कोबेल्को कंपनी का लगा हुआ है, जो इस कंट्रोल वाल्व को वर्क करने के लिए मेन स्पूल 8 पीस लगा हुआ है। दोस्तों, इस मशीन का बूम सिलेंडर, आर्म सिलेंडर और बकेट सिलेंडर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 34.3 MPa / 350 kg की जरूरत होती है, जो मेन कंट्रोल वाल्व से प्राप्त होती है। इस मशीन का पावर बूस्ट हाइड्रोलिक प्रेशर 37.8 MPa / 385 kg का है। इस मशीन का पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए पायलट प्रेशर 5 MPa / 50 kg की जरूरत होती है, जो मेन गियर पंप से प्राप्त होती है। और स्विंग सर्किट सिस्टम की जानकारी। इस मशीन का स्विंग मोटर एक्सल पिस्टन मोटर है और इसकी स्विंग ब्रेक हाइड्रोलिक लॉकिंग ऑटोमेटिक स्विंग कंट्रोल लीवर सिस्टम है और इसकी स्विंग डिवाइस स्प्लेंडरी गियर मोटर सिस्टम से वर्क करती है। इस डिवाइस में गियर ऑयल 90 नंबर ग्रेड की 3 लीटर की कैपेसिटी है। इस गियर ऑयल को 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इसकी स्विंग सिस्टम वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 29 MPa / 296 kg की जरूरत होती है, जो मेन कंट्रोल वाल्व से प्राप्त होती है। इसकी मिनिमम फ्रंट स्विंग रेडियस 3540 mm है और इसके मैक्सिमम स्विंग रेडियस 2750 mm की है। इस मशीन की स्विंग स्पीड देखा जाए तो 12.5 राउंड प्रति मिनट चक्कर लगा सकती है। अब ट्रेवल सर्किट सिस्टम की जानकारी। इस मशीन का ट्रेक मोटर डबल एक्सल पिस्टन विद टू स्टेप मोटर लगा हुआ है। इसकी ट्रेवल ब्रेक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम है और इसके ट्रेवल डिवाइस प्लेनेटरी गियर मोटर सिस्टम है। इस डिवाइस में गियर ऑयल कैपेसिटी 2.5 लीटर की कैपेसिटी एक साइड में है। इस गियर ऑयल की ग्रेड 90 नंबर का है। इस गियर ऑयल को 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का ट्रेवल मार्चिंग स्पीड मोड दो मोड है, एक हाई स्पीड मोड और एक लो स्पीड मोड। इसकी हाई स्पीड मोड में ट्रेवल मार्चिंग 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की सक्षम है और इसके लो स्पीड मोड में 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की सक्षम है। कोबेल्को एसके 200 और कोबेल्को एसके 210 एलसी में ट्रैकिंग सिस्टम में ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। कोबेल्को एसके 200 की ट्रैक सो प्लेट 46 पीस लगा हुआ है एक साइड। कोबेल्को एसके 210 एलसी की ट्रैक सो प्लेट 49 पीस लगा हुआ है एक साइड। अब लोअर रोलर की जानकारी। कोबेल्को एसके 200 की लोअर रोलर 7 पीस लगा हुआ है एक साइड। कोबेल्को एसके 210 एलसी की लोअर रोलर 8 पीस लगा हुआ है एक साइड। कोबेल्को एसके 200 और कोबेल्को एसके 210 एलसी में ऊपर रोलर 2-2 पीस लगा हुआ है एक साइड। कोबेल्को एसके 200 और कोबेल्को एसके 210 एलसी के ट्रैक गार्ड 1-1 पीस लगा हुआ है एक साइड। इस मशीन का ट्रेवल सिस्टम वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 34.3 MPa / 350 kg की जरूरत होती है। अब इंजन इन्फॉर्मेशन की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन में हिनो कंपनी का इंजन लगा हुआ है। इसकी इंजन मॉडल हिनो J05E है। इसका इंजन टाइप 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन वाटर कूलर 4 साइकिल डीजल इंजन विद टर्बोचार्जर इंटरकूलर है। इस इंजन की रेटेड पावर आउटपुट 118 kV/158 hp 2000 rpm के साथ पावर प्रदान करती है। इस इंजन का बोर साइज 112 mm की है और इसकी स्ट्रोक 130 mm की है। इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट 5.123 लीटर की है। इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 1692 Nm 1600 rpm के साथ देती है। इस इंजन का वाल्व क्लियरेंस इनलेट वाल्व 0.30 mm है और एग्जॉस्ट वाल्व 0.45 mm की है। दोस्तों, इस इंजन में डेस्नो कंपनी के हाई प्रेशर 4 साइकिल फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसकी इंजेक्शन फायरिंग ऑर्डर टाइमिंग 1342 है और इसका इंजेक्टर टाइमिंग BTDC है। इस इंजन में लूब ऑयल 15W40 ग्रेड की 22 लीटर की कैपेसिटी है। इस लूब ऑयल प्लस लूब ऑयल फिल्टर को 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट वाटर 22 लीटर की कैपेसिटी है। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए डीसी 12V 96 एम्पीयर की दो बैटरी यानी 24V 192 एम्पीयर की है और इसकी इंजन सेल्फ स्टार्ट मोटर 24V 5 kW की है और इसकी अल्टरनेटर 24V 50 एम्पीयर की है। इस इंजन में ऑटो आइडल स्टॉप सिस्टम है। इस मशीन की डीजल टैंक कैपेसिटी 370 लीटर की है और इसकी फ्यूल फिल्टर सर्विस 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, इस मशीन की डीजल खपत देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से प्रति घंटा 11 से 14 लीटर डीजल खपत कर लेती है। इस मशीन की वर्किंग स्पीड देखा जाए तो एक घंटा में मट्टी लोडिंग 22 से 27 हवा लोडिंग कर सकती है। कोबेल्को एसके 200 की कुल ऑपरेटिंग वेट 2700 kg है। कोबेल्को एसके 210 एलसी की कुल ऑपरेटिंग वेट 21900 kg है। दोस्तों, इस मशीन का केबिन फुल एसी केबिन है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके। जय हिंद दोस्तों।